हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदरंग क्रिएशंस। सो आज का वीडियो एक और एम्ब्रॉयडरी का है। एक हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो डाला था, एक्चुअली एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया अभी वीडियो डाल के। वो जो मैंने लास्ट में वीडियो डाला था वो एक क्रोशिया बॉर्डर का था। अब लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो देखो, मतलब मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिला है उसमें। मुझे लगता है ज़्यादा तो मेरे व्यूअर्स तो एम्ब्रॉयडरी का वीडियोस ही चाहते हैं, वो भी चिकनकारी का। तो मैं आज भी एक एम्ब्रॉयडरी वीडियो, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का ही वीडियो लेकर आई हूँ। तो हम डिज़ाइन देखते हैं। देखो यही है डिज़ाइन, एक छोटा सा स्मॉल डिज़ाइन है। मतलब ये वाला डिज़ाइन के लिए मैंने 3 कलर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। पहला वाला ये वाला कलर है, वो मैं 8 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ किया हूँ। तो पहला वाला स्टिच तो बकिया है, बकिया स्टिच से वो बॉर्डर स्टिच करने जा रही हूँ। तो कैसे वो बकिया स्टिच करते एक और बार मैं थोड़ा स्लोली दिखा रही हूँ। बहुत इजी है एक्चुअली। हमेशा मैं बोलने की तरह ये वाला एक्चुअली चिकनकारी में बैक साइड में हमारा हेरिंग बोन स्टिच करते हैं, लेकिन मैं तो उसके राइट साइड पे ही ऐसे ऐसे करके ही वो करती हूँ। तो ऐसे करके हम पूरा बॉर्डर ऐसे ऐसे फिनिश करते हैं। अभी उस साइड पे तो ऐसे कर दिया। अभी देखो थोड़ा सा जगह बाकी था, तो मैंने ऐसे ही बैक स्टिच की तरह वो करके वो भी फिनिश कर दिया है। अभी ये सेम कलर थ्रेड में 4 स्ट्रैंड लिया हूँ, क्योंकि वो सर्कल में मैं होल स्टिच करने जा रही हूँ। तो ऐसे नीडल से ही मैंने एक होल बना दी, फिर उसके वो बॉर्डर पे जो सर्कल ड्रॉ किया था उसके बॉर्डर पे ऐसे करके सैटिन स्टिच की तरह, वो भी बहुत मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा ही करके वो होल स्टिच भी ईजली फिनिश कर सकता है। बहुत अच्छा सा स्टिच है ऐसे करने पर। अच्छे से खींच के करना तभी वो होल अच्छे से दिखेगा। ये वाला शिफॉन का मटेरियल है तो थोड़ा अच्छे से ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे से खींच के करना, लेकिन संभाल के, मतलब कॉटन थ्रेड से ही कर रही हूँ तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो देखो होल स्टिच फिनिश हो गया है, ऐसा ही एक अच्छे से होल आ गया है। अभी देखो वो स्टेम जैसा है उधर में, देखो ऐसे ही स्टेम स्टिच ही कर रही हूँ, लेकिन छोटा सा छोटा छोटा करके ही कर रही हूँ, क्योंकि 4 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए वो थोड़ा ऐसे छोटा सा ऐसे लेके ही कर रही हूँ। अभी 6 स्ट्रैंड थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो इतना नस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं दिखाऊँगी। तो ऐसे करके वो वाला मिडिल पोर्शन भी हम ये कलर थ्रेड से ही फिनिश करते हैं। अभी मैंने नेक्स्ट लाइट कलर पिंक कलर का थ्रेड यूज कर रही हूँ, वो भी 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज किया है। वो वाला ऐसे फ्लावर डिजाइन ड्रॉ किया है, उसमें वो बकिया स्टिच से ही फिनिश करने जा रही हूँ। सिक्स स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड ही है, लेकिन मैंने ऐसे ही 6 स्ट्रैंड ही डबल ऐसे लिया है। तो थोड़ा वो ऐसे ऐसे लेने पर ही हम ऐसे 6 स्ट्रैंड चाहिए तो 3 स्ट्रैंड लेके फिर डबल करके नॉट लेके एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो ऐसे क्या है वो बीच में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे मिक्स में आता है ना, वो नहीं आता है। लेकिन अभी मैं क्या है 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड ही ऐसे एक ही टाइम लिया है तो डबल ऐसे खींच पे आते हैं ना, तो थोड़े टाइम के लिए, मतलब स्टार्ट करने के टाइम पे ऐसे थोड़ा बल्क में आके रुक जाता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन थ्रेड ऐसे लेने से हमें वो पूरा डिज़ाइन एक ही थ्रेड से फिनिश कर सकता है, इसलिए मैं इसे मोस्टली लेती हूँ। मतलब नहीं तो हर टाइम ऐसे थ्रेड चेंज करके करना पड़ता है, नीचे बहुत नोट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंट कपड़ा है ना तो वो दिखता है ना, इसलिए
थोड़ा लेंथ में थ्रेड लेने के लिए एक ही में इसमें वो 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ करती हूँ। तो ऐसा ही मैं ऊपर का वो जगह भी वो इस कलर थ्रेड से ही फिनिश कर दिया है। अभी मैंने मरून कलर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, वो भी 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अभी वो जो भी डिज़ाइन है उधर मैं फांडा स्टिच करने जा रही हूँ। तो फांडा स्टिच के पहले वो छोटा सा लेके फांडा स्टिच कर रही हूँ, उधर 4 टाइम्स कर रही हूँ, ऐसे 4 टाइम्स करके 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड से 4 टाइम्स करके। डार्क ही फांडा भी बोल सकता है क्योंकि मैं उधर थोड़ा सा स्टेम जैसा नीचे ऐसे दे रही हूँ। तो ऐसा ही हम ये डिज़ाइन फिनिश करता है। ये वाला ऐसे स्मॉल स्मॉल डिज़ाइंस होता है ना, वो ऐसे नस्ती नस्ती करके हम बॉर्डर पे कोई भी साड़ी के या कुर्तीज़ के ऐसे बॉर्डर पे एक डिज़ाइन कर सकता है। मतलब मल्टी बॉर्डर्स होता है ना ऐसे करके, वो एक बॉर्डर में ये वाला ऐसे साइड 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 में रख के, नहीं तो ये ही ऑल ओवर मतलब थोड़ा गैप छोड़ के एक डिज़ाइन के नेक्स्ट डिज़ाइन बगल में ही नेक्स्ट डिज़ाइन, फिर दोनों डिज़ाइन के ऊपर बीच में से ऊपर ऐसे नेक्स्ट डिज़ाइन, तब ऐसे करके भी हम ऑल ओवर भी ये वाला ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन है तो वो फिनिश ऐसे ऑल ओवर भी करके वो फिनिश कर सकता है। तो मैंने वो बीच में वो फांडा स्टिच फिनिश कर दिया। अभी बॉर्डर में भी ऐसे फांडा स्टिच के लिए जगह दिया है, वो मैं 3 बार ही कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने वो भी फिनिश कर दिया है। अभी नीचे भी मैंने वो उसके लिए लाइन्स ड्रॉ किया है। तो थोड़ा वो स्टेम स्टिच, वो भी 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड लिया है तो उतना नस्टिक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा छोड़ के ऐसे स्टेम देख के फिर देखो ऐसे ही फांडा स्टिच कर रही हूँ। आपको इससे भी ज़्यादा थिक चाहिए तो 4 टाइम्स नहीं उसके भी ज़्यादा भी कर सकता है। तो ऐसे करके वो पूरा वो भी हम फिनिश करते हैं। अभी मैंने ये मल्टी कलर में दिखाया है, आपको चाहिए तो एक ही कलर में भी ये डिज़ाइन फिनिश कर सकता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अभी ऐसे एम्ब्रॉयडरी ही नहीं बाकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसे आर्ट्स क्राफ्ट का कुछ डिज़ाइंस भी दिखाऊंगी। जैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी में वीडियोस में आप लोगों ने सपोर्ट किया है वो उसमें भी सपोर्ट में चाहती हूँ। तो देखो हमारा ये डिज़ाइन फिनिश हुआ है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थोड़ा लेट हो गया तो भी मैं तो हर कमेंट को रिप्लाई देती हूँ। और कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फट रहा है तो घर पे ही रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।